वाटर फिल्टर में एसवी खराब है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये ऊपर वाली जो कवर है उसको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये एसवी है, इसमें सिंपल सी दो वायर्स लगे हैं। इस वायर को हमें यहाँ पर कट कर लेनी है। इसके बाद ये जो पाइप है तो यहाँ पर जो बैंड लगी है उसको हम यहाँ इस तरह से पेस्टर से धर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो पाइप यहाँ पर जो लगी है ये एरो के हिसाब से हमें दूसरी ऐसी फिट करनी है। तो इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं। इस तरह से ये जो पुराना वाला एसवी है ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी जगह में हम दूसरी एसवी चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है दूसरी नई वाली एसवी, जो कि इसकी जो मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज है। तो इसके लिए हम इसको कैसे फिट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो बैंड लगी है उसे हमें यहाँ से अलग करनी है। तो जैसे ही हमने पुराना एसवी को यहाँ से निकाला था एरो देखकर, तो इस नई वाली एसवी को भी हम एरो देखकर ही लगाते हैं। तो इसकी जो एरो है इस तरफ है, तो ये जो पाइप है ये यहाँ पर फिट होगा बिल्कुल। इसको इस तरह से हम फिट कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी वाली जो इसकी पाइप है उसको हम यहां से बैंड को अलग करके तो सेम उसी तरह से इसको भी यहां पर हम तो इस तरह से हम फिट कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि यहां पर हम इसकी वायरिंग जो है, जस्ट हमने दो वायर काटे थे उसको बिल्कुल उसी तरह से फिट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे में दोनों वायर को अच्छे से कनेक्टेड कर दिया और यहाँ पर हमने टैपिंग कर दिया। इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से एसवी को हम चेंज कर सकते हैं।